यहाँ पर पंडित जी उनसे बात करेंगे। पंडित जी आपको प्रणाम है। और प्रणाम जी, सभी को रघु नमः। पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कॉपरेट हमें यहाँ पर किया है और इतना सहयोग लोगों का यहाँ मिला है हमें। माता का ही कार्य हो रहा था, माता की भजन था, तो हम सभी निमित्त है। जैसे आप सेवक हो वैसे हम भी सेवक हैं, और हमारी तरफ से मंदिर कमेटी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और आपका परिचय को तो आप मोहताज नहीं हो, हम आपको जानते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव, फेसबुक पे भी आप काफ़ी परिचित हो। और आपने जो धुंधन क्षेत्र का जो हमारा जो दुर्गा माता का मंदिर है इसे चुना, तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। और जो हमारा मंदिर वैसे भी प्रसिद्ध है, लेकिन दूसरे स्तर पर भी ये मंदिर को और ज़्यादा लोग जानेंगे इस मंदिर के बारे में। वैसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इस मंदिर की। पंडित जी आप थोड़ा सा बताएं, कितना पुराना मंदिर है इसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं। ये मंदिर जो हमारा है, ये हमारी जो उस समय की जो बाघल जो रियासत होती थी, तो राजा की कुलदेवी थी ये। और जो राजा की कुलदेवी, राजा जब यहाँ पे आए थे, उनकी कुलदेवी उनके संग थी। यानी कि लगभग 1300 ईस्वी के आसपास का ये मंदिर था ये। और ये मंदिर जो निर्मित था चूना पत्थर का और माश की इट्टी का ये मंदिर था ये। लेकिन मंदिर की जो अवस्था थी वो जर्जर हो चुकी थी। तो हमने नव निर्मित जो मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, कमेटी के माध्यम से लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया। और ये मंदिर हम सभी लोगों के लिए बहुत ही, मतलब एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक समूह का आकर्षण का केंद्र भी है। और ये मंदिर हमारे साथ भावनाएं जुड़ी, हम बचपन से यहाँ पे पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। और ये जो मंदिर है, माता काली का ही स्वरूप है, माँ भद्रकाली। और हमें अपनी लौकिक भाषा में कहते हैं माँ भंडारा देवी। तो भंडारा देवी के नाम से जाना जाता है कि जो भी यहाँ पे आता है तो उसके भंडार कभी खाली नहीं जाते हैं, भंडार उसकी मुरादें सारी पूरी होती है। तो माता का आशीर्वाद आपके ऊपर भी रहेगा, हम यही कामना करते हैं कि आपके एल्बम है ये सुप्रसिद्ध हो जी। तो देखिए, ये पंडित जी का आशीर्वाद भी हमें मिल चुका है। और यहाँ इस मंदिर के बारे में भी आपने जान लिया कि ये मंदिर कितना पुराना है, कितनी मान्यता है इस मंदिर की, और काफ़ी लोग जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और हमें भी युगल जी ने इस मंदिर के बारे में बताया था, क्योंकि ईशान राजा जो इस भजन को डायरेक्ट कर रहे हैं, उनसे चर्चा चल रही थी कि इस भजन को कहाँ शूट किया जाए। तो उन्होंने अपने मित्र युगल जी से, जो यहीं के रहने वाले हैं, उनसे चर्चा की। तो ये मंदिर हमें लगा कि यहाँ शूट करना चाहिए। और ये हमारे तमाम टीम के लोग हैं इस वक्त जो है वो ड्रोन का कुछ शूट कर रहे हैं। धीरज हैं, ईशान राजा हैं, ईशान हमारे डायरेक्टर हैं, ये अनी हैं जो ड्रोन कर रहे हैं, ड्रोन का काम बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ भाई महेश जी भी हैं, भाई महेश जी थोड़ा फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। और यहाँ पर हमारे परिवार के लोग हैं, मंदिर के दर्शन भी आपको करवाऊंगा। और काफ़ी दर्शक जो हैं हमें कमेंट के माध्यम से बोलते थे कि आप अपनी टीम को भी दिखाया करो, आप अपनी टीम को दिखाओ, क्योंकि रोज़ाना जो भजन डालते हैं उसमें मैं अकेला ही दिखता हूँ, कई बार परिवार के लोग होते हैं एक एक करके, लेकिन सभी लोग कहते थे कि अपनी टीम दिखाओ।